देखेंगे पावर फ्लो पर सिंक्रोनस मशीन्स, ठीक है ना, इसमें जनरेटर का भी देखेंगे और मोटर का भी देखेंगे पावर कैसे फ्लो करता है। नॉर्मली क्या है हमारे पास पावर, पावर होती क्या है, पावर हमारे पास होती है पावर एट अ लोड ई वन ई टू डिवाइड बाय जेड साइन डेल्टा प्लस एक्स इंडक्टेंस माइनस ई वन का स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, इसी को हमने अगर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है ना। ई वन क्या है हमारा फील्ड का, ये टर्मिनल वोल्टेज, ये डीसी वाली जो होगी जेड इम्पीडेंस साइन डेल्टा एंगल बिटवीन ई एफ एंड बी टी, ठीक है ना। बी टी टर्मिनल वोल्टेज स्क्वायर टू आर ए डिवाइडेड जेड स्क्वायर, ठीक है। जे आर आ रही है हमारे पास सिलेंड्रिकल रोटर के लिए, मतलब अल्टरनेटर के लिए मान लो, ठीक है। अब क्या है पी आई जी, पी ओ जी क्या है पावर आउटपुट बाय जनरेटर, ठीक है। फिर पी आई जी पावर इनपुट टू जनरेटर, ठीक है ना। पावर इनपुट और पी ओ जी मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा होगा हमारा 90 माइनस अल्फा 2, ठीक है। 90 माइनस अल्फा 2 बोलेंगे अगर डेल्टा है, अगर डेल्टा इक्वल टू थीटा है, मतलब थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा 2, ये होगा जो मैक्सिमम होगा जब लोड एंगल किसके बराबर होगा, इम्पीडेंस एंगल के बराबर होगा, उस टाइम पी आई जी इक्वल टू पी ओ जी हो जाएगा। और वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा, ठीक है, ई एफ इंटू बी टी डिवाइड बाई जेड एस माइनस बी टी स्क्वायर आर ए मतलब रेसिस्टेंस डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है, अगर इसको हम देखोगे कि डायग्राम क्या बनेगी, इसकी डायग्राम अगर बनानी है तो ये बनेगी
मैक्सिमम पावर क्या होगी, जब डेल्टा इक्वल टू इम्पीडेंस होगा मतलब थीटा होगा, ठीक है, आउट मैक्सिमम आउटपुट होगा, ठीक है, ये जी का भी ये वो जी का भी, ठीक है। अब क्या है रिएक्टिव पावर देखेंगे इसके साथ, चौक के साथ बताते हैं, और जनरेटर के साथ देख लें जनरेटर का क्या है, ठीक है। इसको जब तुम एक्सेस हमारा क्या होता है 10 to 100 टाइम्स होता है, आर ए, आर ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आर ए बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो इसलिए आर ए को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आया हमारा रिएक्टिव पावर, इसके अंदर एक चीज़ आपको नोट करने वाली, रिएक्टिव पावर किसके ऊपर है, ये ई एफ कॉस डेल्टा के ऊपर ज़्यादा प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ई एफ कॉस डेल्टा के ऊपर ज़्यादा प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो ये आ गई रिएक्टिव पावर फॉर जनरेटर, ठीक है, तो जनरेटर के लिए हमारी रिएक्टिव पावर आ गई है, ये ऐड करते हैं इसको रिएक्टिव पावर को, इसके अंदर हमारा क्या है एक ग्राफ बनता है, इसको वी कर्व बोलते हैं, यूनिट पावर फैक्टर, इससे आएगा लैगिंग, इससे आएगा जो होता है आई ए और आई एफ के बीच में ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, और क्या है हमारा अगर ई एफ, ई एफ जो है ई एफ कॉस डेल्टा जो है अगर ज्यादा है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, ई एफ कॉस डेल्टा हमारा टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा, तो इसको ओवर एक्साइटेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओवर जनरेटर, मतलब अगर इसका आउटपुट जो है जो हमारा सिंक्रोनस मोटर का आउटपुट है, मतलब इधर जनरेटर ले रहे ना, सिंक्रोनस जनरेटर का जो आउटपुट है टर्मिनल के ई एफ कॉस डेल्टा का आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा है, तो क्या हमारी टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या है वो लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, एक लीडिंग पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर वाली इक्वेशन होगी, यही चीज़ें हमने इधर बताई हुई है। तो जनरेटर मोड में क्या है, अगर हमारा ई एफ और डेल्टा बीटी से ज़्यादा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे ई एफ मतलब ओवर एक्साइटेड है, तो इस केस में क्या है बैक ई एम एफ क्या है हमारा ज़्यादा होगा, बैक ई एम एफ कौन दे रहा है, बैक ई एम एफ यही है, ई एफ जो है यही ई बैक के आसपास, ठीक है ना, बैक ई एम एफ ज़्यादा है किससे, हमारा बीटी से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें वोल्टेज थोड़ी सी लीडिंग हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बीके पॉजिटिव है, रिएक्टिव पावर क्या हमारी इसमें पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये पावर किस साइड जाएगी, जनरेटर से ग्रिड वाली साइड पावर ट्रैवल करेगी, ठीक है। अगर हमारा ई कॉस डेल्टा ई एफ कॉस डेल्टा जो है वीटी के बराबर है, मतलब ई बी इक्वल टू वीटी, तो उसमें क्या है कि नॉर्मल एक्साइटेशन, एक्साइटेशन जो है ना लैगिंग है ना लीडिंग है, उस केस में ना तो ये पावर एब्जॉर्ब करेगी ना तो पावर डिलीवर करेगी हमारी ये मोटर, ठीक है। या अगर तीसरा केस है हमारा ई एफ कॉस डेल्टा जो है अगर हमारा वी टर्मिनल से कम है, मतलब ये जो है इससे कम है, तो पावर बाहर से कहाँ से आएगी, बाहर से अंदर आएगी, तो मतलब आपकी जो सिंक्रोनस मशीन है वो क्या करेगी, पावर एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है ना, इस केस में क्या बोलेंगे लैगिंग पावर फैक्टर। इसमें क्या है टर्मिनल वोल्टेज का जो है सिंक्रोनस मोटर का वो बाहर वाले टर्मिनल वोल्टेज से कम हो जाता है, ठीक है ना, तो पावर बाहर से अंदर आने स्टार्ट हो जाती है, उस केस में क्या है हमारी रिएक्टिव पावर क्या है नेगेटिव है, क्या है रिएक्टिव पावर नेगेटिव है, और मोटर क्या करने पड़ती है रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो इस केस को बोलेंगे अंडर एक्साइटेड कंडीशन, ठीक है। तो ये था जनरेटर की कंडीशन, ठीक है ना, जनरेटर की कंडीशन थी ये। अब आते हैं मोटर के केस में, ठीक है, तो मोटर के केस में आया है हमारा जनरेटर हो गया,
dt upon x plus cos delta, उसमें माइनस था तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा dt square by x plus, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इस पे। इसको अगर और थोड़ा चाहोगे तो ये बनेगा हमारा dt by स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। तो एक और चीज अगर मैक्सिमम देखेंगे हम, क्यों मैक्सिमम देखें, अगर क्यों हमारा मैक्सिमम क्या होगा, वीटी का स्क्वायर अपॉन जेड एस इनटू एक्सेस, ये कौन सा होगा, एन डेल्टा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा 2, ठीक है। क्यों हमारा मैक्सिमम रिएक्टिव पावर मैक्सिमम क्या होगी, वीटी स्क्वायर बाय जेडएस एक्सेस हो जाएगी हमारी मैक्सिमम। तो ये था हमारा आज का, पावर फ्लो कैसे होती है सिंक्रोनस मशीन में, मोटरिंग कैसे एक्ट करती है, वो जनरेटर कैसे एक्ट करती है। तो इसमें एक चीज थोड़ी सी नोट करने वाली है मोटर में, अगर हमारा ई कॉस डेल्टा हमारा कम होता है वीटी से, मतलब ई कॉस डेल्टा लेस देन है वीटी से, तो ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी एक्टिव पावर, क्या करेगी, एब्जॉर्ब ठीक है, बाहर से क्या करेगी, पावर खींचना स्टार्ट कर देगी, आपकी जो सिंक्रोनस मशीन है वो मोटर की कनेक्ट करेगी, बाहर से खींचेगी पावर, गेट से पावर खींचेगी, ठीक है ना, कौन सी पावर खींचेगी, एक्टिव पावर खींचने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें यही था, ठीक है, थोड़ा सा और हमें अब और इसमें जाएंगे बीच में, तो एक्टिव पावर क्या कितनी है, ये जनरेटर में इधर प्लस था, ये इस साइड था और वी टी उस साइड था, इस केस में यही कॉस थी थीटा उस साइड चलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में रिलेशन क्या है हमारा, ठीक है ना। अब क्या होता है हमारा, के वी आर किसके बराबर होता है, के वी आर किसके बराबर होता है, वी आई साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो के वी ए किसके बराबर होता है, वी आई कॉस, ठीक है, फाइव मान लो, फाइव मान लो उसको, और के वी किलो वाट किसके बराबर होता है, किलो वाट होता है हमारा बी ए, ठीक है। तो के वी ए किसके बराबर है, के वी होता है अंडर रूट के वी स्क्वायर प्लस के वी आर प्लस, ठीक है। तो अगर दूसरे रिलेशन में जाए, पी हमारा क्या होगा, पी डॉट होगा S P प्लस U, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा ये क्या है, रिएक्टिव पावर है, ये किलो वाट है, ठीक है, एक्टिव पावर ये आ गया हमारा, ये चीजें थोड़ी सी याद होनी चाहिए हमें, ठीक है। तो बस यही था इसमें, बाकी कुछ है नहीं खास, ठीक है, यही था आज के लिए, इतना ही था।